क्यों फोन किया तुमने? मुझे बस खैरियत मालूम करनी थी, इसलिए खुदा हाफिज। तैयबा, रिलैक्स हो जाओ, बुलंद मिल गया। मैं रिलैक्स हूँ भाई, और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, लड़कियां लड़कों में दिलचस्पी रहे, बुरा लगता है, लेकिन ये काम लड़कों को सूट करते हैं। I really mean it भाई, अब आप मेरे लिए और कोई दाव नहीं खेलेंगे। बशर मोमिन अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लोगों के इमोशंस के साथ खेलना छोड़ दे भाई, मुझे नहीं करनी शादी, मेरी जान छोड़ दे, नफरत हो गई है मुझे अपने आप से। अब आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मुझे मेरा कट मिल गया। जी जी, नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे काम आपके साथ, क्यों नहीं। पर अभी आपका टाइम खत्म हो गया, मैं रखता हूं। ये क्या हरकत है, शादी हो चुकी है हमारी। जी, लेकिन हमारी रुख्सती नहीं हुई। हाँ, तो एक दफा तैयबा की शादी हो जाए, फिर उसके बाद हमारी रुख्सती हो जाएगी। लेकिन तुम्हें क्यों कोई दर्द या तकलीफ होगी, क्योंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि तैयबा की वजह से कितना परेशान हूं मैं? मुझे मंजूर है। क्या? झूठ बोला। कैसा झूठ? यही कि मुझे आप पसंद आ गए। और कि मैं आप ही से शादी करना चाहती थी। और ये कि मैंने आपको उकसाया, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं था। और आज तक जो भी मैंने बुलंद से कहा वो झूठ था। कब कहोगी? आज, अभी, इसी वक्त। तो फोन मिलाते हैं, मेरे ही फोन से उसे बोल। नहीं, मिल के कहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत की क्या जरूरत है मेरी जान, चलो मैं तुम्हें खुद लिए चलता हूँ। चलें? ऐसे नहीं। जब मोहब्बत का इजहार करने के लिए इतनी तैयारियां हुआ करती थी, तो आज नफरत का बताने के लिए भी कुछ तो तैयार होना चाहिए तुम्हें। जा जाके चेंज कर लो। बुलंद को भी जीने का हक है, खुश रहने का हक है उसे। प्लीज उसे रास्ता दो कि वो अपनी जिंदगी बना सके फिर से। देखो, अगर तुम ये मुश्किल मरहला तय कर गई तो हम सबके लिए आसानियां होंगी, हमारी जिंदगी में, बुलंद की जिंदगी में। जब तक ये सिलसिले खत्म नहीं होंगे, नई जिंदगी का आगाज नहीं हो सकता। बुलंद का घर आ गया, तुम जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा बिटिया। बुलंद है घर पे?
हाँ हाँ घर पे है, आप बात करनी है उनसे, जरूरी बात। बुलंद उठिए, मैं हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? किसके साथ आई हो, कब आई हो, क्यों आई हो यहां, किसके साथ? अकेली आई। क्यों? कुछ बातें बतानी है आपको। क्या फायदा? जब सही मुजरिम अपने गुनाहों का इतराफ कर ले, बहुत से बेगुनाह छूट जाते हैं, जैसे कि आप, आदिल भाई, हावी, तैयबा, बशर। कैसे गुनाह? वही गुनाह जो आपने कई बार खुद पकड़े, और मैं ये कह के मुकर दी गई कि आपकी नजरों को धोखा है, आपका अंदाजा गलत है, कि वो तैयबा की साजिश है और बशर के हवस। लेकिन नहीं बुलंद, वो साजिश भी मेरी थी तो हवस भी मेरा। प्लीज ये मत कह देना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी नहीं, ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे। इस एहसास शर्मिंदगी से भी ज्यादा कि मैं तुम्हें क्यों छोड़कर गया, क्यों तुम पर भरोसा नहीं किया। प्लीज डोंट से दिस, तुमसे मोहब्बत नहीं है। I'm sorry. I have to say this. मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। आपने जो कुछ किया ठीक किया, एहसास शर्मिंदगी में तो मैं हूं। आपने अच्छा किया आप चले गए, पहला इंप्रेशन ठीक ही होता है। वो सफाइयां जो तुमने पेश की, सब झूठ था, सब झूठ, सब झूठ। तो उस वक्त झूठ क्यों बोली, और आज ये सच है तो आज सच क्यों बोल रही हो? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, और मैंने आपको धोखा दिया। क्योंकि मैं बुरी हूं, और एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान के सौग में जिंदगी जाया नहीं करनी चाहिए। I'm sorry, बुलंद, आपकी तकलीफ को देख के मैं बहुत शर्मिंदा हूं, घिनाती अपने आप से। अब्बा की रूह देख रही होगी, बख्तियार अंकल की रूह। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, मैं चाहती थी कि मैं अब्बा से किया हुआ वादा निभाऊं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। इट्स माय हार्ट, दिल तो अपने इख्तियार में नहीं होता ना, दिल तो खुदगर्जी और नाफरमा बरदारी की मिट्टी से बना होता है। जिस तन में होता है वो भी उसका अपना नहीं होता,
बहन वाकई अशर में इन्वॉल्व थी और मैं कैसे ना होती, उनकी पर्सनालिटी, उनकी अरबों और करोड़ों की बातें, उनकी पावर, दी पावर के आराम से किसी भी इंसान को जूते की नोक से मसल के फेंक दे, बड़े बड़े लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाते थे वो, तो उनकी पर्सनालिटी तो किसी फेरी टेल के प्रिंस से कम नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने आप को उनसे दूर रखूं और आपके करीब आ जाऊं, लेकिन ऐसा हो ना पाया, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, आपको एंगेज रखा ताकि अगर बशर मेरे हाथों से निकल जाए तो आपका तो एक ऑप्शन रहे ना। ऑप्शन एक ऑप्शन था तुम्हारे लिए? मैं क्यों बुलाया मुझे, जब मैं यहां से तुम्हारी जिंदगी से चला गया था, क्यों मोहब्बत का वास्ता देकर बुलाया मुझे? जवाब दो, क्यों कहा कि आगे मुझे बचा लो, मुझ में जुल्म हो रहा है, जब तुम बशर से मोहब्बत है, क्यों बुलाया मुझे? जवाब दो। ताकि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं, ताकि आप तैयबा की बातों में आके उसका हाथ ना थाम ले। मैं चाहती थी कि मैं आपके दिल में बशर और तैयबा के खिलाफ नफरत के बीज बोऊं, क्योंकि मुझे पता था वो आपसे प्यार करती है, आपको अपनी तरफ खींच लाएगी। तैयबा तो डे वन से आपकी फेवर में है, बात पे बात आपकी तरफदारी करती, और मैं थक गई थी ये बातें सुन के। ये बातें बशर सुनते तो मेरे बशर के सामने मेरा कैरेक्टर मुश्कुक हो जाता ना, और मुझे पता था कि उसकी ये वफादारी एक ना एक दिन आपको उसकी तरफ जरूर खींच लाती, और वो आपकी मोहब्बत में निडर होके मुझे कई बातें सुनाती, और ये बातें मैं नहीं चाहती थी बशर के सामने हो, पर मुझे तो डर था ना कहीं आप तैयबा में इन्वॉल्व होके उससे शादी ना कर लेते, बस मुझे इसी चीज का डर था। तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं थी, तो मैं चाहे जिससे शादी करूं जिससे ना करूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता था? कैसे फर्क ना पड़ता, अगर आप हमारी नजरों से दूर चले जाते तो समझो चैप्टर क्लोज, मैं अपने महल में खुशी खुशी रहती अपने बशर के साथ, लेकिन अगर आप तैयबा के साथ रहते और ये सिलसिला जारी रहता तो आप मेरी और बशर की जिंदगी में भी रहते। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे रिश्ते को कोई फर्क पड़े, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पुराना रिश्ता मेरे नए और खूबसूरत रिश्ते को एक भूत की तरह डराता रहे। उस रात जब तैयबा यहां से गई तो उसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी हालत में है वो तो मुझसे आपकी वजह से बात तक करने को तैयार नहीं। आप प्लीज जल्द से जल्द अमेरिका चले जाएं, वरना आप उसकी अपने लिए तड़प देखेंगे ना तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। वो आपसे मोहब्बत करती है, मानेगी नहीं, लेकिन बहुत मोहब्बत करती है आपसे। आप तो मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर एक वादा करें, आप ये सिलसिला नहीं होने देंगे, नहीं जाएंगे तैयबा के पास। आप खुद सोचे ना, ऐसा कुछ हो गया बुलंद तो मेरी और आपकी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो जाएगी। आप हमेशा बशर के सामने रहेंगे, और मेरे बशर जिनसे मुझे इतना प्यार है वो मुझ पे एतबार नहीं कर पाएंगे, जो हमारी एक मामूली सी मंगनी थी वो मेरे और बशर के बीच एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की तरह लटकी रहेगी। आप जाए, सॉरी। Oh,
दिल दुहाई, ये मोहब्बत क्यों न हमको रास आई, दरमियां है फासले क्यों खो गए। अच्छा तुमने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी, अच्छे इंसान नहीं हूँ इसलिए किसी के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। मैं सिर्फ दूसरों का हक छीनना आता है। तुम यहाँ मेरी तकलीफ में तड़प भी नहीं आई बल्कि एक बार फिर अपना उल्लू सीधा करने आई हो। एक बार फिर मुझे ये बातें दूर करना है क्योंकि तुम्हें यकीन है कि जो लड़की मेरी मोहब्बत में आती रात को अपनी जान की परवाह किए बगैर एक्सीडेंट कर सकती है, जो मेरी खातिर अपने भाई से लड़ सकती है, मुझे ज्यादा सा दूर नहीं रहेगी, एक ना एक दिन मुझे पा लेगी, मुझे समेट लेगी और मैं उससे शादी करूं और बशर के सामने तुम्हारे कैरेक्टर को हमेशा के लिए मशकूक कर दूं। What a plan! क्या हुआ? आज से ज्यादा नफरत हो गई उसे तुमसे? तुमने वही सब कुछ कहा होगा जो मैंने तुमसे कहा था, है ना? Obviously, जहर उगला होगा उसने, तुम्हें बुरा भला कहा होगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारे लिए तो अब एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, तो बस तुम मेरी बीवी हो, वो सिलसिला तो खत्म हो चुका है, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, राइट? राइट। अच्छा ये बताओ, वो तैयबा के बारे में उसने कोई बात की? आई मीन कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हें यह एहसास हुआ हो कि वो उसके लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है अपने दिल में? कोई बात? यू नो व्हाट, जब आप किसी के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उससे एक ना एक दिन आपको मोहब्बत हो ही जाती है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि हमदर्दी मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है मर्दों के लिए, तो गलत नहीं होगा। इवन बेटर, जिस तरह मेरी झोली में तुम्हारी मोहब्बत आन गिरी है, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि तैयबा को भी उसकी मोहब्बत मिल जाए। गुड जॉब, नाउ रिलैक्स। एक दफा ऐसी सिचुएशन से गुजरना ही था। Yes. तैयबा,
खड़े क्यों? हाँ बैठो। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। This is for you. कुछ लोगे टी और कॉफी? कोई और भी रस्में गुफ्तगू रह गई है तो वो भी कर लो। मौसम का हाल पूछ लो, महंगाई की बात कर लो, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारे दरमियान और क्या बात हो सकती है? वो बातें करो जो रुदाबा को सुनाती आई हो। मुझे अब इस गुफ्तगू से बाहर निकाल दो प्लीज। मैं इस इशू को डिस्कस करना नहीं चाहती। ठीक कह रही हो तुम। आप पुराने सिलसिले खत्म कर देने चाहिए। हाँ बुलंद, तुम्हें थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन तुम एडजस्ट कर जाओगे। जब होने वाली बहुत सारी चीजें हो जाए और सही भी ना जाए ना, तो फिर उस माहौल से बहुत दूर चले जाना चाहिए। तुम अमेरिका वापस चले जाओ, अपनी दुनिया में। तुम वहां पे बहुत खुश रहोगे। हो सके तो पाकिस्तान कभी वापस मत आना। बेहतर होगा हमारे चेहरे तो तुम ना ही देखो। खुशी और उदासी इंसान के अपने अंदर होती है, वो जहां जाता है उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। नहीं, इंसान कोशिश करे तो खुश रह सकता है। अच्छा, कैसे? अबे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, ऑफिस में कलीग्स होंगे और तुम वहीं से कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर लेना जल्दी से। हाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं, यहाँ भी मिल जाएगी तुम्हें कोई। तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे खातिर अपने घर वालों से, अपने दोस्त से, किसी से भी झगड़ा कर जाए, जिसे पता हो कि मुझे मोहब्बत रुदाबा से है मगर वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करे, जिसे पता हो कि मैं बिखरा हुआ हूं और से मुझे तिनका तिनका करके समेटना, जिस वक्त मुझे मोहब्बत दे, मुझसे मोहब्बत का तकाजा ना करे। नहीं, मेरी नजर में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। मैं जानता हूं। फिर तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर ठीक है। क्या तुम उससे शादी करोगे तैयबा? हाँ, तुम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। करोगे मुझसे शादी? हाँ तुमसे, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो सब मोहब्बत के दायरे में आता है। ये एक बहुत वाहियात तरीका है मुझसे मेरे गुनाहों का इतराफ करवाने का। मेरी जिंदगी की खाली जगह देखकर अब मैं किसी मर्द को इजाजत नहीं देती कि वो मेरे इमोशंस के साथ खेले। बुलंद बख्तियार, तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुमसे। चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल ना ताल्लुक रहना चाहती हूँ तुमसे। तो मैंने बहुत सहर उबलाया और मेरे उन फिक्रों का नतीजा है ये एक्सीडेंट। तुम बहुत हर्ट हुई हो लेकिन उस रात की मेरी कैफियत को समझो। मैंने जो देखा, जो सुना, उस पर रिएक्ट किया। अब मैं खुद इस चैप्टर को बंद करना चाहता हूँ। यकीन करो, मैं इस वक्त बशर की बहन से बात नहीं कर रहा। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की की ही जरूरत है। पछताओगे? एक बहुत जज्बाती फैसला है। जज्बाती फैसला करके पछता चुका हूं लेकिन तुमसे शादी मेरी सोच, मेरी समझ का फैसला है। प्लीज मुझे समझ लो। तनाई से दम घुटता नहीं है। तुम्हें लाजम है दुनिया में अकेले रह जाना कितनी बड़ी तकलीफ है। कभी खामोशी भी कानों के पर्दे फाड़ देती है। लड़की और मिल जाएंगे तैयबा, मगर मेरे दिल का हाल जानने वाली कोई नहीं मिलेगी। किसी लड़की में हिम्मत नहीं होती कि किसी और लड़की के दिए हुए जख्मों पे मरहम रखे।
लड़की को अपने लाड उठाने वाला चाहिए जो मैं नहीं उठा सकता। Can't do it. Can't. सिर्फ तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता था, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों एक दूसरे का तो बांट लेंगे। बोलो दोगी ना मेरा साथ? भाई एक बार फिर मैंने खुशियों के एवज अपना ईमान बेच दिया। शुक्र है इस बार तुमने मेरी मेहनत जाया नहीं होने दी। भाई हमारी आमदनी की तरह हमारी खुशियां भी नाजायज है, और जो खुशियां किसी को तकलीफ देकर हासिल की जाए वो हराम होती है। एक जमाने के बाद हमारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। मेरी शादी रुदाबा से हो गई, तुम्हारी शादी बुलंद से हो रही है, उसके बाद हम सब अपनी अपनी जगह पे खुश रहेंगे। किस्सा खत्म। एक्सक्यूज मी सर, बुलंद साहब बाहर तशरीफ लाएं। बैठाओ सर ड्राइंग रूम में। कंग्रेचुलेशन इन एडवांस। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। बस तुम्हारे आगे। हाँ नाकाम मुबारक हो। थैंक यू। बोलो। सुबह तैयबा से मिलने आया था, उसने आपको मेरे प्रपोजल के बारे में तो बताया होगा। Yeah, she told me everything. लेकिन पिछले दो तजुर्बों की वजह से बात डरी हुई है, घबराई हुई है। रिश्तों की ना कोई गारंटी होती है ना वारंटी। शादी से पहले सब एक रैपर में पैक हुए होते हैं। मैं आपसे जितनी मर्जी अच्छी बातें कहूँ, आप तैयबा और मैं खुद हम सब एक दूसरे से डरे हुए होंगे। मुझे लगता है कि मैं और तैयबा हम दोनों एक दूसरे में एक कॉमन चीज ढूंढ चुके हैं, इसलिए हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं। मेरी फैमिली में कोई बड़ा नहीं है जो आकर आपसे बातें कर सके, इसलिए मैं खुद आ गया। मेरी फैमिली में जो है वो मैं हूँ और जैसा भी आपके सामने हूँ। अगर हम मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो प्लीज एक बार करें। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत ना हो और मेरे यकीन करें हम दोनों एक दूसरे को समेट लेंगे, संभाल लेंगे। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो प्लीज भाई बाकी मुझे शादी करते हैं। प्लीज ट्रस्ट कर सकता हूं मैं तुम पर, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इस दुनिया में तुम उन चंद लोगों में शुमार होते हो जिसको मेरा दिल कहता है कि ट्रस्ट करूं, तो वो तुम हो। So, you are the one. लेकिन मंगनी नहीं करूंगा मैं इस बार, मंगनी नहीं करूंगा। मंगनी का कायल मैं भी नहीं हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दो दिन में तैयबा को और मेरा निकाह करवा दें ताकि मैं उसे अपने साथ लेकर जा सकूं। और शादी के हंगामों से मैं घबराता हूं, इसलिए अगर छोटी सी गैदरिंग में सब कुछ हो जाए वो रियली अप्रिशिएट दैट। तुम्हारी शादी है, तुम जैसे कंफर्टेबल हो गए सब कुछ वैसे होगा। थैंक यू। लेकिन एक सवाल है छोटा सा, क्या तुम
मेरी और सायरा की फैमिली के साथ कंफर्टेबल रह पाओगे। जो शख्स अपनी फैमिली में कंफर्टेबल हो उसे दूसरों की फैमिली इस बात नहीं करती। तो ठीक है, अभी फिर हम सायरा के घर चलते हैं। मतलब नहीं, तुम नहीं जाना चाहते, डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं है। तैयबा इज लाइक डॉटर टू अस। एक्चुअली तैयबा मेरे और सायरा के लिए बिल्कुल बेटी की तरह, इतनी सी थी मैंने और सायरा ने उसे पाला है। आज अगर सायरा ये सब कुछ सुनेगी तो बहुत खुश होगी और चाहेगी कि अपने हाथों से तुम्हारा मुंह मीठा करे। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल लिव इट, हम सायरा को बुलवा लेते हैं। खान, मुझे कोई इशू नहीं है, चलने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं तैयबा को कहता हूं कि तैयार हो जाए, हम तीनों फिर वहीं चलते हैं। एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। वेलकम टू द फैमिली। आदिल, सायरा, रुदावो, अरे कहाँ सारे, जल्दी आओ। क्या हुआ? What happened? कहाँ हो तुम लोग? मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अरे तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। शादी करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुलंद और मैं मिले या ना मिले, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बुलंद और तैयबा ने शादी का फैसला कर लिया है। What? और मैं इस बात पे 100% मुत्तफिक हूँ। सायरा, मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया। Well, बुलंद, I would like to welcome you to our family.